Hey guys, what's up? My name is Shamim. Are you all watching my YouTube channel? Shamim Sultan. तो कैसे हैं आप लोग? अभी इस वक्त मैं रियाद के एक होटल में क्वारंटाइन हूँ 5 दिनों के लिए. और 5 दिनों के लिए मैं जब क्वारंटाइन हूँ तो मैं रात को यहाँ पहुँचा हूँ 5 तारीख को सुबह 4 बजे. तो मुझे डिनर दिया गया था, मगर उसके बाद से यहाँ की जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं रही. बेड मुझे इस तरह से मिला है सोने के लिए. अब सऊदी में जो क्वारंटाइन है वो 5 दिन का हो गया है, 14 दिन का नहीं रह गया है. वो 5 दिन भी नाम के मुताबिक रह गया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं. खाली मास्क लगा के जाना होता है बाहर, दिल लगाया ऐसे चले गए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है. तो बैग है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एसी लगी हुई है, इस तरह से एसी लगी रहती है रूम में. और बाहर तो निकलने दे नहीं रहे हैं, अंदर ही हमको रहना है और अंदर ही हम वीडियो बना सकते हैं. टॉयलेट है, किचन है और बहुत सी चीज़ें रूम में क्वारंटाइन में. तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ होटल का, थोड़ा सा अंदर का नज़ारा और थोड़ा सा होटल के बाहर का नज़ारा. तो आप देख के समझ जाना कि रियाद में किस तरह की होटल में क्वारंटाइन में. ठीक है, तो गाइस ये है टॉयलेट एंड ये है बेसिन. आप देख सकते हो यहाँ से पानी, टॉयलेट है होटल का और एक गीजर लगा हुआ है ताकि पानी बाकायदा गर्म करिए और नहाइए. और ये है नहाने के लिए. अब यहाँ से खोलेंगे का. मुझे सबसे ज्यादा अलग चीज लगी ये टॉयलेट में, ये देखते हैं आप इसको गन बोल सकते हैं, इतना प्रेशर है कि सकते इसमें प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप कि चमड़ी तक गायब हो जाएगी. तो ये यहाँ का टॉयलेट है, काफी क्लीन है. यहाँ पे एक सोप रखा गया है, यहाँ पे ये शैम्पू नाम लिखा हुआ है बट हमारे ख्याल से शैम्पू ये नहीं होगा. और ये मैं हूँ, आप जानते हैं मुझे बहुत अच्छी तरीके से. तो टोपी लगाया हुआ मैं, आई होप आप लोग को खूबसूरत लग रहा हूँ. इतना खूबसूरत तो मैं नहीं हूँ. तो फाइनली आप देख सकते हैं टॉयलेट क्लीन है, ठीक है, अच्छा है. भैया बच गए हैं दोपहर के 2, यानी कि सऊदी में बच गए हैं 2 बज गए लगभग. और यकीन मानिए होटल का जो स्टाफ है वो एक बात भी पूछने नहीं आया कि आपको जो चाय पानी, यहाँ तक कि 2 बजे लंच ये हम लोग घर से ये लाए थे नमकीन, तो ये नमकीन खाया जा रहा है. 2 बज चुके हैं और 2 बजे तक कभी कोई नामो निशान नहीं है. तो इस तरह से अब सऊदी में क्वारंटाइन किया जा रहा है कि आप सऊदी में क्वारंटाइन आइए, इस तरह से होटल बुक करिए और एक टाइम आपको खाना मिलेगा. और दोपहर का खाना आपसे बोला जाएगा कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा. चाय जब बोलोगे तो आपकी आ जाएगी, जब जो कि इंक्लूड है ब्रेकफास्ट, टी, लंच, डिनर एंड वाटर एंड फ्री वाईफाई, ये चीज़ें इंक्लूड हैं इनके पैकेज में. पर फिर भी जिस तरह से एजेंट लोग पैसा कमा रहे हैं, एजेंट लोग बुक करते हैं, यहाँ पे आप आते हैं और ऐसे भूखे आप रहते हैं, दाल मोट बिस्कुट खा के आप गुजारा करते हैं. तो ये होटल की जो अंदर की बात है, क्वारंटाइन जो सऊदी में हो रहा है वो उसका अंदर का बात इस तरह से है कि आप इस तरह से आइए, आप खाली पैसा लगाइए और नाम मुताबिक आपका क्वारंटाइन हो जाएगा, आपकी पीसीआर टेस्ट बन जाएगी, बाकी सब आपके साथ. तो जब बस होटल अगर इस तरह मिल गया तो आपको भूखा भी रहना पड़ेगा. तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा समझ के इस बात को आगे बढ़ेंगे और सऊदी में जब क्वारंटाइन होंगे तो अपने साथ खाने का सामान लेके आएंगे. होटल के भरोसे या स्टाफ के भरोसे नहीं रहेंगे. यहाँ के लोग आपसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं, इंडियन से खाने के सवाल पे जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं अभी कुछ देर में आएगा, आधे घंटे में आएगा, एक घंटे में आएगा. 11 बजे से लेके कहा जा रहा है ब्रेकफास्ट के लिए, लंच का टाइम भी ओवर होने वाला है, 2 बज गया है, अभी तक कोई अता पता नहीं है.